धन इंडिया। तेरी शादी होने वाली थी, उसका क्या हुआ? अभी कहा उसका अगले साल। कृष्णा पीछे कुछ है, चल देखते हैं। जी उस्ताद। उस्ताद लगता है मर गई। पीछे हट, पीछे हट, हाथ मत लगा, पुलिस को फोन करते हैं। जी उस्ताद। हाँ पुलिस। नेशनल हाईवे पर करीब 20 साल की लड़की का मृत शरीर पाया गया। क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था या फिर किसी ने ऐसा दिखाने के लिए उसकी हत्या के बाद उसे हाईवे पर छोड़ दिया था? सवाल कई थे लेकिन इतना तो तय था कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी, क्योंकि जिस हालत में वो मिली थी उसे देखकर साफ पता लगता था कि उसकी मौत से पहले उसे बहुत तकलीफ दी गई थी। जिस दिन हाईवे पर लाश मिली उसके परिवार वालों ने उसी दिन सुबह उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश सबसे पहले उसके परिवार से शुरू की। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहन रत्ना हाईवे तक अकेले कैसे पहुंची? पता नहीं सर, हमें तो बस इतना मालूम है कि 4 दिन पहले कॉलेज के लिए निकली थी, फिर वापस नहीं है। आपको यकीन है कि रत्ना ने आत्महत्या की? जी कुछ पता नहीं। आप बताइए। आपको क्या लगता है कि रत्ना की लाश हाईवे पे कैसे मिली? क्या हुआ होगा उसके साथ? कहीं उसका किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं था जिससे वो मिलने गई हुई हो? और फिर नहीं साहब, हमारी बहन ऐसी नहीं थी, और वैसे भी हमारे खानदान में लड़कियां ये बाहर जाके लड़कों लड़कों से मिलने जैसा काम नहीं करती साहब। वो रत्ना कॉलेज से साहब। ऐसे रो रो कर बताएगी तो समझ में नहीं आए, हम बता रहे ना साहब। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी भाभी कुछ और ही बताना चाह रही है। ए लक्ष्मी, बता देना साहब को जो हमें बताया था तूने। साहब ये बताना चाह रही है कि रत्ना उस दिन कॉलेज अकेले गई। पहले उसने कहा कि नहीं जाना, फिर अचानक से चली गई और उसने जाने भी दिया। मतलब ये कि 20 जून को आप में से कोई भी घर पे नहीं था और लक्ष्मी जी घर पे अकेली थी, इसीलिए रत्ना कॉलेज अकेले गई थी। अरे रत्ना, तुम तो अपने भैया को बताई थी कि आज कॉलेज नहीं जाना, कहीं और जा रही हो क्या? भाभी कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे भैया लोग आ गए उनको पता चल गया वो बहुत गुस्सा करेंगे। भाभी जल्दी आ जाऊंगी, 3 बजे से पहले, तुम तब तक संभाल लेना भाभी प्लीज। साहब भाभी ने हमें बताया कि रत्ना जिद करके गई पर शाम तक रत्ना वापस नहीं आई, तो चंद्रू ने और मैंने दोनों ने पूरे मोहल्ले में उसके कॉलेज जाकर हर जगह उसको ढूंढा, उसके दोस्तों से भी पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ पता नहीं था। रत्ना की सबसे अच्छी सहेली कौन? सिद्धि। सिद्धि, सिद्धि तुम और रत्ना दोनों कॉलेज में हमेशा साथ ही रहती थी ना? जी। 20 जून को क्या हुआ? रत्ना उस दिन कॉलेज नहीं आई थी, और आई भी होगी मैंने उसको नहीं देखा था क्योंकि उस दिन वो क्लास में आई ही नहीं थी। अच्छा उसका कोई बॉयफ्रेंड था क्या?
मतलब किसी लड़के के साथ उसका कोई चक्कर वक्कर था? चक्कर तो नहीं था सर, पर हाँ एक लड़का था सूरज, जो उसको बहुत पसंद करता था। जब भी हम और रत्ना कॉलेज के बाहर जाकर पानी पूरी खाते या चाट खाते, वो लड़का सूरज उसके पीछे आया। रत्ना सुनो ना, कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ मैं, एक बार एटलीस्ट ये लेटर तो ले लो, देख तू लो इसमें क्या लिखा हुआ है। सूरज मत आ मेरे पीछे, कहीं मेरे भाइयों ने देख लिया तो वो लोग तुझे बहुत मारेंगे, उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको रत्ना, तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, सच्ची बता, एक बार ये लेटर लेके देख तू लो इसमें क्या लिखा हुआ है। रत्ना उसको समझा दे, कहीं तेरे भाइयों ने देख लिया तेरा कॉलेज आना जाना सब बंद कर देंगे। पता है, इसलिए उसके लेटर का जवाब साफ साफ लिखना जरूरी है। मतलब तुझे भी वो अच्छा लगता है ना? पर उससे क्या होता है, कभी उससे मिल तो नहीं सकती। अच्छा ये भी हो सकता है कि उस दिन रत्ना कॉलेज के बहाने सूरज से मिलने गई हो। नहीं सर, रत्ना ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी, उसको कभी अगर सूरज से मिलना भी होता तो मेरे साथ या बिंता के साथ जाया करती थी, नहीं तो वो अपनी भाभी के साथ जाया करती। तो इसका मतलब रत्ना की भाभी सूरज को अच्छे से जानती थी? जी, रत्ना अपने कॉलेज की सारी बातें अपनी भाभी को बताया करती क्योंकि उन दोनों की अच्छी बनती थी। रत्ना की माँ भी नहीं थी और ना ही उसकी कोई बड़ी बहन, इसीलिए तुम्हें लगता है कि रत्ना ने आत्महत्या की होगी और सूरज वाली बात को लेकर वो परेशान थी क्या? परेशान तो थी सर, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी तय कर रहे थे और जहां तक हमें याद है उसकी शादी तय हो भी गई थी, पर रत्ना आगे पढ़ना चाहती थी। अच्छा सिद्धि, ये क्या नाम क्या था लड़के का? सर सूरज। हाँ सूरज कैसा लड़का था, क्या वो रत्ना को कोई नुकसान पहुंचा सकता? उसके बारे में हमें नहीं पता कि हमारे कॉलेज में लड़कों का आना जाना बिल्कुल मना था। सूरज ने रत्ना को कब देखा, कब उसे पसंद करने लगा, ये हम भी नहीं जानते। पर हाँ सर, रत्ना भी सूरज के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, सिर्फ इतना कि वो यहाँ पर डिप्लोमा कर रहा था। सिंह, ये जो बॉयफ्रेंड वाली नई बात सामने आई तो तुम एक काम करो, रत्ना के घर जाओ और उससे पूछताछ करो, सूरज को थाने बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। जी सर। बहू जरा प्याज तो काट कर लाना। अरे बहू, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या? रत्ना के साथ जो पिछले 5 दिनों से सुन रहा हूं, रत्ना रत्ना लगा रखा। रत्ना गई, अब वो वापस नहीं आएगी। तो तुम नहीं भेजा था उस दिन कॉलेज से? ये रोने का नाटक बंद करो, नहीं तो ए चंद्रू, इस तरह से बात नहीं कर सकता अपनी भाभी से तू। वो पेट से इसलिए हर बात का ज्यादा सदमा लग रहा है और वैसे भी उसकी तबीयत खराब रहती है। तो समझा दो इन्हें कि अपना मुंह बंद रखें और अपने काम से काम रखें। हाँ ठीक है। रत्ना की किसी से शादी होने वाली थी? ये एक जगह रिश्ता पक्का तो हुआ था लेकिन साहब हमारी बिरादरी में 16-17 साल तक लड़कियों की शादी हो जाती है। ये तो रत्ना की पढ़ाई की जिद थी कि
वो 20 की हो गई। आप बताइए क्या लगता है आपको, रत्ना ने किसी सूरज नाम के लड़के का जिक्र किया था कभी? आप झूठ बोल रही हैं। आपको अच्छी तरह से पता था कि सूरज नाम के लड़के के साथ रत्ना का चक्कर चल रहा है और 20 तारीख को वो उसी से मिलने गई थी। वो मुझे ऐसा कुछ बता कर नहीं गई थी। सच सच बताइए, क्या रत्ना का सूरज नाम के लड़के के साथ चक्कर था? ए, ए लक्ष्मी जा जा, चाय लेके आ साहब लोगों के लिए। सर, रत्ना के कमरे में उनकी चीजों की तलाशी लेने पे ये दो चिट्ठी मिली है, सुरेश की लिखी हुई और ये वैलेंटाइन कार्ड। सबूत तो आप लोगों के घर में ही मौजूद है कि रत्ना और सूरज एक दूसरे को पसंद करते थे, वरना रत्ना सूरज की चिट्ठियां संभाल के क्यों रखती? चिट्ठी तो कोई भी दे सकता है, वैसे हमारी रत्ना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी लड़के को बढ़ावा दे दे। अगर उसके पीछे कोई लड़का पड़ा भी होता तो हमें जरूर मालूम होता। देखिए, कभी आपने रत्ना के पास ये चिट्ठी और कार्ड देखे थे? अरे क्या छुपा रही है? दिखा मेरी भाभी। दिखा नहीं तो गुदगुदाऊंगी। देख भाभी रुक, अरे रुक, पढ़ने तो दे एक मिनट। अरे अच्छा बता कौन है ये मजनू? कॉलेज के पास दिखता है हमेशा। अच्छा, और करता क्या है? पढ़ता है शायद, रोज दूर से देखता है। आज ये कार्ड रखा था गेट के पास। इधर आ, तू बोल तो तेरे भैया से बात करूं कि तेरी शादी की बात यहीं चला कहीं और नहीं। नहीं नहीं भाभी, वो चाल आ जाएगा। वैसे भैया लोग चिढ़ते हैं मेरी पढ़ाई से, उन्हें पता चल गया तो मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा देंगे। सूरज का क्या करेगी? करना क्या है, बस कार्ड देखकर खुश होती रहूंगी और कुछ नहीं हो सकता। जी नहीं, मैं इन चिट्ठियों के बारे में कुछ नहीं जानती। देखिए, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि रत्ना की मौत कैसे हुई? यूं ही मामला सालों साल चलता रहेगा, काटते रहिएगा चक्कर कोर्ट और कचहरी के। अरे साहब, हमने तो इस लड़के वाली बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, और आपको इसलिए नहीं बताया कि बेइज्जती होती, लोग तमाम तरह की बातें बनाते, आप तो जानते हैं ना, आखिर इज्जत तो हमारी जाती। इंस्पेक्टर साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस बात का जिक्र हर वक्त करना। हम शरीफ लोग हैं, ऐसा होने से हमारी बहुत बदनामी होगी समाज में। चंद्रू, बाबूजी को बस स्टैंड तक छोड़ कर आ। सिंह, तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि रत्ना के घर वाले हमसे अब भी कुछ छुपा रहे हैं। सर, रत्ना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रत्ना की मौत गला घोटकर मारने से हुई और रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर जब उसकी लाश मिली उससे 12-13 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी।
यानी 20 जून यानी कि सिंह यानी रत्ना की किसी ने गला घोंटकर पहले हत्या कर दी, उसके बाद ये सिर्फ एक दुर्घटना लगे इसलिए उसकी बॉडी को हाईवे पर ले जाकर फेंक दिया। जी सर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सर। अच्छा वो लड़का सूरज कहाँ है जिसको इंटरोगेशन के लिए बुलाया था? सर बस वो आता ही होगा। तुम 20 जून वाली फाइल लेके आओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मामला साफ लगने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम का शक सही निकला था कि रत्ना को मारा गया था। उसकी मौत खुदकुशी करने से या किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। रत्ना के भाइयों के मुताबिक इसमें सूरज का हाथ हो सकता है, लेकिन सूरज रत्ना को क्यों मारेगा जब वो उससे चाहता था? या फिर कहीं सूरज के अलावा भी कोई था जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया? पुलिस को उम्मीद थी कि सूरज इस केस की अहम कड़ी था। रत्ना की मौत का शक सबसे ज्यादा तेरे ऊपर था, इसलिए जो कुछ कहना तो समझ कर कहना। मैं रत्ना को नहीं मारा सर, भला मैं क्यों उसे मारूंगा सर? लेकिन रत्ना की मौत जिस दिन हुई थी उस दिन वो घर से तुमसे मिलने के लिए निकली थी और उसी दिन से तुम भी फरार है ना? सर जब मुझे पता चला कि रत्ना की अचानक मौत हो गई है और पास के आगे तो उसकी लाश मिली है सर, तो मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा अब सब लोग मुझे ही ढूंढेंगे और फंसा देंगे। सबको? उसके तीनों भाई, वो तीनों बहुत खतरनाक है सर। रत्ना भी उनसे बहुत डरती थी। एक बार उन्होंने मुझे उसके कॉलेज के पास देखा तो बहुत मारा था। और उसके बाद मैंने रत्ना को चिट्ठी लिखी थी कि कॉलेज के पास वाले बस स्टैंड पर मुझे मिलना। उस दिन 20 तारीख थी सर। सर मेरा प्लान था कि मैं रत्ना को लेकर जबलपुर चला जाऊंगा, अपने माँ पापा को मैं समझा लेता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रत्ना को चिट्ठी मिली भी या नहीं पता। मैं बस स्टैंड पर 1 बजे से वेट कर रहा था। मैंने 2 घंटा वेट किया सर उसका, पर वो नहीं। फिर मैं कॉलेज गया, वहां भी नहीं दिखी सर। लेकिन इसका क्या सबूत है कि रत्ना तुम्हें पसंद करती थी? सर ये चिट्ठियां, इसमें लिखा है कि उसके घर वाले बहुत ही पुराने ख्याल के और उसके तीनों भाई बहुत ही खतरनाक। उसकी शादी कहीं तय हो गई थी सर, इसीलिए उसने मुझे कहा था कि मैं उसे भूल जाऊं। ले जी। नहीं मुझे नहीं पीना, दूध पीने से चक्कर सा आता है। ये दूध तेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए। ले। मुझे बात करनी रत्ना के बारे में। मैं ये बात अब और अपने अंदर नहीं रख सकती। उस दिन रत्ना कॉलेज से घर आई थी और वो बहुत डरी हुई थी, तो फिर हमने ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? देख लक्ष्मी, तेरी हालत खुद बहुत नाजुक है ना? इतना मस्त हो तू, अपने बच्चे के लिए बुरा है। रत्ना जो हुआ उसके साथ एक तरह से ठीक ही हुआ, गलत रास्ते पे थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था ना? नहीं किश्नु, चंद्रू और भरत ने जो किया वो बहुत गलत है। ले लक्ष्मी देख, कान खोल के सुन ले तू। अगर इस तरह जनानी वाली हरकत की ना तूने तो घर में बहुत कलेश होगा। हम भाइयों के बीच फूट डालने की कोशिश की तो तुझे मैं अपने साथ रखने वाला नहीं। चलता हूं तेरे मैं का छोड़ाता हूं तुझे। उस दिन आराम से रह और अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रख। एक बार जब देखो तब रत्ना रत्ना। Ugh!
तो क्या सूरज सच कह रहा था? उसका रत्ना की मौत से कोई ताल्लुक नहीं था? ऐसा भी तो संभव है कि उसने रत्ना के भाइयों का गुस्सा उस पर निकाला हो और उनसे बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी हो। पुलिस यहां इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वहां रत्ना के परिवार में कुछ और ही चल रहा था। रत्ना की भाभी लक्ष्मी क्या छुपा रही थी? रत्ना अपने भाभी के काफी करीब थी और उसकी मौत का सबसे ज्यादा दुख परिवार में लक्ष्मी को ही था। तो क्या वो कुछ ऐसा जानती थी जो घरवाले छुपाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसे उसके मायके भेज दिया? किष्णु ठीक ही तो कह रहा है। तो क्या तुम अपने देवरों के नाम पुलिस को बता दोगी, उन्हें जेल भिजवा दोगी और तुम्हारा पति ये करने देगा? वो तुम्हें छोड़ देगा। बेटा, समझदारी इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और तुम्हारा पति तो वहाँ पर था नहीं, उसकी तो कोई गलती है नहीं, फिर तुम इन सबके बीच में क्यों पड़ रही हो? लेकिन माँ, मैंने वहाँ जो देखा उसके बाद मैं उन लोगों के साथ छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। मुझे बार बार रत्ना के बारे में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कोई धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बार बच्चा आ जाने दे, फिर तुम और कृष्णु उन लोगों से अलग हो जाना। बेटा अभी घर जा। आज रात के खाने में कुछ अच्छा बनाना, मैं बाजार जाकर कुछ मसालेदार लेकर आता हूँ। ये रोज रोज मातम का खाना खाकर हाजना बिगड़ गया, वो भी उस बेशर्म रत्ना का। मैं सब जानती हूँ, तुमने और भरत ने जो किया है मैंने सब कुछ देखा। उस रात तुम दोनों ने मिलकर रत्ना को मार डाला था। मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, सब कुछ बता दूंगी, पुलिस को भी और तुम्हारे भैया को भी। लक्ष्मी भय और दुविधा में जी रही थी। एक तरफ रत्ना के प्रति अपने अपराध बोध से जूझ रही थी और दूसरी तरफ उसका पूरा पारिवारिक जीवन बिखर सकता था। वो अपने पति को खुद के भाइयों के खिलाफ जाने को नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो उस पर भरोसा भी नहीं कर रहा था। आखिर क्या रास्ता बचा था उसके पास? पूरे ससुराल में वो अकेली पड़ गई थी। देखो भाई, तुम्हारी बीवी हमें धमकी दे रही है कि पुलिस में हमारा नाम दे देगी और तुम कुछ कर नहीं हो, शांति से बैठे हुए हो। मैंने उसे समझा दिया अच्छे तरीके से, कुछ नहीं बोलेगी वो। अरे कैसे नहीं बोलेगी भाई, उसने आज ही हमको धमकी दी है। अच्छा काका, वो छोड़ो, एक बात जान लो, तुम्हारी बीवी बहुत फिरफिरी है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तुमको कहा है ये तो बच जाएंगे, हैं फंसेंगे हम, कैसे उसने इनको देखा नहीं है? ये तो बोलकर आए थे ना कि हम वो जबलपुर जा रहे हैं। उसने मुझे नहीं देखा, तुम दोनों को देखा। क्यों? क्योंकि गलती तेरी है चंद्रू, तुमने उसके दूध में नशे का पाउडर मिलाया ही नहीं होगा।
वाह वाह, हम भुगते हैं, सारी गलती हमारी है, उनकी कोई गलती नहीं है, सही बात है, हमारी गलती है क्योंकि इनकी मुमताज महल की हमने सेवा नहीं की, दूध नहीं पिलाया उन्हें, उनकी कोई गलती नहीं है, एक बंडल सा प्लान बनाए और अपने जबलपुर निकल लिए और अपनी बीवी को संभाल नहीं पा रहे। वाह बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा बात की है। एक बात बताइए, रामचरण सेठ से रत्ना के लिए पैसा लिया तुमने? हाँ। अरे छोड़ो, उसका शादी का बात पक्का किया तुमने और हमारी गलती बता रहे हैं, और रत्ना को घर से बाहर जाने दिया तुम्हारी बीवी ने उल्लाउंडे से मिलने के लिए, तो गलती किसकी? हमारी, सारी गलती आपकी। ठीक है, गलती हमारी है ना, तो इसको सुधारेंगे अभी हम ही, बस थोड़ा रुक जाओ, मेरा बच्चा आ जाने दो, फिर इस लक्ष्मी से भी निपट लेंगे। अरे कैसे निपट लेंगे भैया, कहीं वो पहले जाकर पुलिस के सामने मुंह खोल दी, तब मुंह तो तब खोलेगी ना जब यहां से बाहर निकलेगी। 24 घंटे उस पर नजर रखो। रत्ना के भाइयों ने अपनी झूठी इज्जत के लिए बेरहमी से अपनी बहन की जान ले ली और बचने के लिए पुलिस में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवा दी। इससे साफ जाहिर होता है कि इनमें आपराधिक मानसिकता पहले से ही मौजूद थी, यानी क्रिमिनल टेंडेंसी। लक्ष्मी को लग रहा था कि उसका पति इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अब उस पर क्या बीतने वाली थी? उसने मुझे नहीं देखा, तुम दोनों को देखा, क्योंकि गलती तेरी है चंद्रू, तुमने उसके दूध में नशे का पाउडर मिलाया ही नहीं होगा। रामचरण सेठ से रत्ना के लिए पैसा लिया तुमने, उसका शादी का बात पक्का किया तुमने, और हमारी गलती बता रहे हैं। गलती हमारी है ना, तो इसको सुधारेंगे अभी हम ही, मेरा बच्चा आ जाना, फिर इस लक्ष्मी से भी निपट लेंगे। भी यहां से निकलना होगा, नहीं तो यही आदमी मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मार डालेगा। इन सबसे खतरनाक तो यही है, पर मैं कहां जाऊं, कहां छिप सकती हूं इससे? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वही भरोसा तोड़ दे तो इंसान के पास सिवाय खुद के और किसी का सहारा नहीं बचता। लक्ष्मी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। लक्ष्मी को सबसे बड़ा सदमा यह लगा रत्ना के भाइयों ने उसके पति के साथ मिलकर उसकी जान ली थी, और अब वो उसके साथ भी ऐसा कर सकते थे। वो अकेली और डरी हुई जरूर थी, पर हार मानने वालों में से वो नहीं। सवाल यह उठता है कि अब वो यहां से बचकर कैसे निकलेगी, और क्या निकल पाएगी, या फिर उसे भी रत्ना की तरह खामोश कर दिया जाएगा? की गलती तेरी है चंद्रू, तुमने उसके दूध में नशे का पाउडर मिलाया ही नहीं होगा। अरे चंद्रू, अरे उठ जा भाई, क्या दोपहर तक सो रहा है?
चंद्रू, ये चाय, नहाने का पानी गर्मा दूं क्या? हाँ ठीक है, गर्मा दो। भरत, चाय दो। चाय और बिस्किट भी लेके आओ। लीजिए, पानी पी लीजिए। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप यहां पे पूरी तरह से सुरक्षित। पानी पी। आप बेझिझक होकर अपना बयान दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्म पे साइन करना होगा, या फिर आप अंगूठा भी लगा सकते। लीजिए, उसके बाद हम आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे। हमें पहले ही पता था कि आप हमसे कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन छुपा रही। अब बताइए, 20 जून की रात को क्या हुआ? उस रात मैं कमरे में अकेली थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि वो जबलपुर जा रहे, अगले दिन लौटेंगे। रात में जब मैं पानी पीने के लिए जगी, तो अब मैंने देखा कि आंगन की बत्ती जल रही। मैं बत्ती बुझा ही रही थी कि बगल वाले कमरे से दरवाजा खड़कने की आवाजें आई और मार गए। भरत, तू चादर लेकर आ, इसको लेके चलते हैं। आपके पति और आपके देवरों ने मिलकर रत्ना को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो सूरत से मिलने गई थी और आपके पति ने उसको देख लिया, इसीलिए रत्ना वापस घर पे आकर छुप गई थी। मेरे पति ने रत्ना की शादी सेठ से तय कर दी थी और उसके लिए उन्होंने उस सेठ से पैसे भी लिए थे, लेकिन जब उन्हें सूरज के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि रत्ना बिगड़ जाएगी। अगर वो सचमुच सूरज के साथ भाग गई तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। मुझे लगा था मेरे पति सब में शामिल नहीं है, और अगर उस रात में मैं उन तीनों की बातें नहीं सुनती, मुझे आज भी यही लग रहा होता, और एक दिन शायद वो मुझे भी मार डाले। लेकिन उस रात कमरे में भरत और चंद्रू के साथ वो ही थे। Thank you.
सिंह सबको राउंड अप करो, मैं तुरंत निकलना। जी सर। शांति जी आप इनको गाड़ी में लेकर आइए। क्या हो गया अंदर को? अरे लक्ष्मी एक ग्लास पानी ला और गरम चाय भी। ए भरत ऐसा सो रहा, उठना कमरे में जाना। चंद्रू उठ जा, शाम तक सोएगा क्या? नालायक, कोई काम नहीं। लक्ष्मी, ए भरत, लक्ष्मी, अरे कहां मर गई? कहां मर गई ये? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, अरे चंद्रू, अरे चंद्रू, ए चंद्रू, भाभी कहां तेरी? भाभी कहां तेरी? अरे भाभी कहां? ए ए भरत, भरत, अभी उठ, भाभी कहां तेरी? भाभी कहाँ है? अरे वो पानी गरम कर रही है। अरे पानी गरम करने नहीं गई बेवकूफ। अरे भाग गई, ताला तोड़ गए, गई पुलिस के पास। हो तुम दोनों घोड़े बेच के सो रहे हो। हाँ, इतनी चालाक निकले कि चाबी नहीं था। अब क्या करेंगे भैया? किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है, जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ। लेकिन कहाँ? फिर निकले तो सही पहले। अरे यार वो गई फंसा के। भैया, अरे कहाँ जाएंगे भैया, क्या कर रहे हो? चलो चलो मेरे, चलो। अरे पुलिस भाग, भाग। हर भाई पर बहन की रक्षा का जिम्मा होता है और रत्ना के तो तीन भाई थे, लेकिन ये कैसे भाई थे जो झूठी शान के लिए अपनी ही बहन के हत्यारे बन गए? और ये कैसी इज्जत थी जो बहन से बड़ी हो गई? किसी से प्यार करना क्या इतना गलत है कि उससे जीने का हक ही छीन लिया जाए, वो भी अपने ही परिवार के हाथों? अफसोस कि आज भी इस समाज के चेहरे पर ऑनर किलिंग एक ऐसा बदनुमा दाग है जो किसी भी तरह से सही नहीं कराया जा सकता। रत्ना के तीनों भाइयों को 302 के तहत हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। निर्दोष रत्ना मर चुकी थी और इन हैवान भाइयों का रिश्ता भी, लेकिन भाभी ने अपना रिश्ता निभाया। हम सलाम करते हैं रत्ना की भाभी लक्ष्मी को, जिसने इतना साहस दिखाया, इतनी हिम्मत की। सावधान इंडिया जुर्म और इंसाफ के खिलाफ आम लोगों की उठाई ऐसी हर आवाज को, हर कोशिश को सलाम करता है। फिर मिलेंगे आपसे एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।